हेलो नमस्कार सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मिस्टर मैनवित पाई घोड़ा। आज यहाँ पर अपन रिव्यू करने वाले थे ऑल न्यू 2023 हीरो एक्सट्रीम 200S 4V OBD2 E20 मॉडल का। एंड स्पेशल थैंक्स टू हाईटेक हीरो कोलकाता जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया तक लाने के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के रहते हो, अगर हावड़ा हुगली कोलकाता से वीडियो देख रहे हो तो जरूर जो है इस शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको हीरो का कोई प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा एंड स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। एंड इस वीडियो के दौरान मैं इसका फुल डिटेल वॉकआउट रिव्यू करूंगा, आपको बताऊंगा इस मोटरसाइकिल में क्या क्या नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं, क्या इसका नया प्राइसिंग आया, कितने कलर स्कीम के साथ देखने को मिलेगा, कितना वेरिएंट है एंड कितना माइलेज मोटरसाइकिल को प्रोवाइड करके दे देंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसे की से। की यहाँ पर दोस्तों को हीरो के ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की देखने को मिलती है, जैसे नॉर्मली हीरो अपने की देती है, वही कोई वेव की नहीं है, स्क्रीन में डाल देते हैं। एंड अभी जो है बात करते हैं कलर्स प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स की। तो इसमें आपको सिंगल यही एक वेरिएंट देखने को मिलेगा एंड कलर्स की अगर बात करो इसमें टोटल तीन कलर आपको देखने को मिल जाएगा। जो पर्टिकुलर आप देख पा रहे हो ये है आपका मून येलो कलर, दूसरा आपका मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक एंड थर्ड कलर है आपका पैंथर ब्लैक मेटालिक। तीनों बाकी दोनों जो कलर्स का फोटो आपको सुनवे दिख रहा होगा। अगर बात करें प्राइसिंग की तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो है 1,43,800 एक शोरूम कोलकाता। अगर आपको ऑनरोड जाना है तब जरूर जो है शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिकेशन को ऑन करते हैं सबसे पहले। तो इंडिकेशन ऑन करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो DRL जलता हुआ देखने को मिलेगा फ्रंट में, ठीक है। एंड यहाँ पे फुल आपको जो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया, दोनों आपको जो है LED ही देखने को मिलता है पूरा लाइट सेटअप। इंडिकेशन को थोड़ा ऑन कर देते हैं। तो इंडिकेशन ऑन करते हैं यहाँ पे देखो इसका जो लो बीम यहाँ पे वो ऑन है एंड रिफ्लेक्टर है। आपको हाई बीम दिखा दो एक बार में, तो हाई बीम में यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ ऐसा हाई बीम देखने को मिलेगा। फुल LED यहाँ पे हेडलाइट दिया गया एंड अभी के लिए ऑफ करते हैं। एंड इंडिकेटर्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हैलोजन ही देखने को मिलते हैं दोनों इंडिकेटर्स। इंडिकेशन को भी ऑफ कर देते हैं। फ्रंट में यहाँ पे आपको 3D में हीरो का जो ब्रांडिंग वो देखने को मिलेगा। फ्रंट का नंबर प्लेट होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टिंटेड एक छोटा सा मीटर स्क्रीन दिया है, विंड स्क्रीन दिया गया, टिंटेड एक मीटर शील्ड दिया गया एंड फ्रंट में आपको फुल्ली एक येलो मेटालिक येलो कलर का जो फ्रंट फेस यहाँ पे वो दिया गया एंड बाकी ये जो पार्ट यहाँ पे आपको जो है येलो का ही दिया गया, सॉरी ब्लैक का, यहाँ पे ब्लैक पार्ट दिया गया नीचे का, ठीक है। और मडगार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फाइबर का फ्रंट मडगार्ड देखने को मिलता है जो कि येलो एंड रियर में ब्लैक कलर के साथ देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों MRF नायलो ग्रुप चापा का फ्रंट टायर यूज़ किया गया आपको यहाँ पे। एंड टायर सेक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 180x70 का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको 276mm का यहाँ पे पेटल डिस्क देखने को मिल जाएगा। आपको सिंगल चैनल ABS है, यहाँ पे ABS रिंग देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे ABS का स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिला दोनों साइड पे। आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया, 36mm का यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में दिया गया, दोनों साइड पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर अलॉय की बात करो तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में अलॉय दिया गया एंड यहाँ पे उसके ऊपर रेड कलर स्टिकरिंग यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। अगर मैं अलॉय भी आपको उस साइड से दिखा दूँ आपको अलॉय कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो लुक इसका निकल के आ रहा है। अगर बात करें साइड से तो ये बाइक देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक लुक के साथ ये बाइक फिर से रिलॉन्च हुआ है। 2019 में जो था इसमें आपको जो है ये एक सिंगल सीट था एंड पीछे का जो ऐसा नहीं था, पीछे सिंगल एक टेल लाइट देखने को मिलता था एंड काफ़ी सारे जो अपडेट्स हुआ है, सबसे पहले तो कलर स्कीम का अपडेट हुआ है एंड बाकी बहुत कुछ। अब देखते हो आपको यहाँ पे क्रिस्टल जैसा यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिलेगा एंड अब थोड़ा स्पार्कलिंग इफेक्ट भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो स्पार्कलिंग इफेक्ट यहाँ पे दिया गया एंड यहाँ पे स्क्वायर का डिज़ाइन दिया गया ब्लैक के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों एक सिल्वर कलर का स्टिकरिंग भी यहाँ पे यूज़ किया गया साइड फ्रेम में, जैसे तो काफ़ी अच्छा साइड से निकल लुक जो वो निकल के आ रहा है। एंड यहाँ पे तो ये फ्रेम जो साइड का ये भी आपको येलो कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सट्रीम का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4V। तो एक अपडेट जो इसमें पहले आपको 2V इंजन मिलता था लेकिन अब 2023 में इसमें आपको 4V इंजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सट्रीम का लोगो है, यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लैक एंड वहाँ पे व्हाइट का यूज़ किया गया, ठीक है। एंड फिट एंड फिनिश की बात करो तो यहाँ पे कोई भी आपको गुंजाइश नहीं मिलेगा, यहाँ पे अच्छे से एकदम बारीकी से इसका जो फिट एंड फिनिश दिया गया, कोई भी यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे फुली फेयर मोटरसाइकिल से आपको कोई भी क्रैश गार्ड देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपका जो साइड फेयरिंग है उसके साथ जो आपका अंडर वेली यहाँ पे वही जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हो इंजन में आपको हीरो का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी हीरो ने अभी भी 200cc के मोटरसाइकिल में किक स्टार्ट जो इसका ऑफर किया है, इस पर आपको किक स्टार्ट अभी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर मैं एक और अपडेट की तरफ चलूँ तो इसमें आप जो है देख सकते हो E20 का अपडेट कंपनी ने इसमें दे दिया है। तो अब ये मोटरसाइकिल, पहले मैंने एक अपडेट बताया जो कि आपका नेक पेन स्कीम था, ठीक है। दूसरा अपडेट मैंने आपको दिखाया कि इसमें अभी भी 4V इंजन आता है। दूसरा अपडेट, थर्ड अपडेट जो है इसमें आपको
E20 फ्यूल सपोर्ट करेगा। फोर्थ अपडेट, इसमें आपको OBD2 सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। एंड E20 से अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको 12.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। एंड माइलेज की अगर बात करो, 30 से 35 km का माइलेज मोटरसाइकिल को प्रोवाइड करा के दे देगी। एंड टैंक की तरफ चाहिए तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पार्कलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा बाइक धूप में, इसलिए आपको अच्छे से ये कलर निकल के आ रहा है। एंड वैसे तो ये पार्ट जो आपको फुल्ली सिल्वर एंड बीच में टैंक कलर जो ब्लैक में दिया गया, इस पर हीरो का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड साइड टैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे येलो, यहाँ पे सेम जो स्क्वायर का डिज़ाइन यहाँ पे वो दिया गया, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ग्रे, यहाँ पे ग्रे एंड यहाँ पे स्पार्किंग ग्रे, उसका जो स्टिकर यहाँ पे वो यूज़ किया गया। साइड फ्रेम साइड की साइड पैनल में आपको यहाँ पे कार्बन टेक्सचर यूज़ किया गया। एंड ये जो टेक्सचर देख रहे हो ये ओरिजिनल नहीं है, ये बस एक स्कीम दिया, पेंट स्कीम दिया, लेकिन ये देखने में एकदम ओरिजिनल पेंट स्कीम जैसे, ओरिजिनल कार्बन फाइबर जैसे लग रहा है। आपको हीरो का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, प्रोग्राम FI का जो यहाँ पे वो ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड अभी चलते इसके इंजन की तरफ, तो अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो यहाँ पे आपको 199.6 cc एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 Phase 2 फ्यूल इंजेक्टेड 4-valve इंजन देखने को मिल जाएगा। और पावर फिगर्स की बात करो तो इसमें आपको 19.1 PS का पावर मिलेगा एंड 17.35 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा विथ 5-speed गियर बॉक्स, ठीक है। तो इसमें OBD2 का जो अपडेट इसमें वो भी दे दिया कंपनी ने। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रियर ब्रेक लीवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको राइडर फुटपैक देखने को मिल जाएगा, रबर कोटेड राइडर फुटपैक देखने को मिलेगा, पिलियन का फुटपैक और रबर कोटेड देखने को मिल रहा है। सीट की बात करो तो यहाँ पे काफ़ी कुशन, यहाँ पे आपको सीट देखने को मिल जाएगा एंड सिंगल पीस सीट है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 200 cc के मोटरसाइकिल में आपको यहाँ पे सिंगल सीट नहीं, एक स्प्लिट सीट कंपनी को ऑफर करना चाहिए था। यहाँ पे कंपनी फिर टैंक पैड देखने को मिल जाएगा आपको, जैसा कि आप देख सकते हो। रियर पैनल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फुली मेटालिक ब्लैक, सॉरी शाइनी ब्लैक, जिसमें आपको थोड़ा बहुत स्पार्कलिंग इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। पूरा बाइक में आपको जो स्पार्कलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। रियर में आपको 200S का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे येलो सिल्वर और नीचे भी आपको यहाँ पे येलो का स्टिकरिंग यूज़ किया गया। रियर की तरफ चले तो यहाँ पे बॉक्स प्रिंट स्विंग आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो 7-speed एडजस्टेबल आपको प्री लोड मूनस्ट्रोक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप एग्जॉस्ट देख सकते हो, आपको एग्जॉस्ट जाना पहचान लगेगा, एग्जॉस्ट आपको वही सेम देखने को मिलता है जैसे कि हमें ज़्यादातर एक्सपर्ट 20 में देखने को मिलता है, वही वाला एग्जॉस्ट इसमें भी यूज़ किया गया। और मेटल का एग्जॉस्ट मफलर दिया गया, नहीं पे मफलर पे स्क्रैच ना पड़े, अगर एग्जॉस्ट को डैमेज ना हो इसलिए आपको एक गार्ड भी दिया गया, जैसे पिलर अपना पैर रखेगा तो उसका जो बैक साइड पैर का वो यहाँ पे टच हो, ठीक है। रियर टायर की बात करो तो यहाँ पे रियर में MRF रिव्स का टायर देखने को मिलता है। रियर टायर जो आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको रेडियल टायर देखने को मिलता है जो कि आपका यहाँ पे 130/70/17 R70 मतलब रेडियल टायर आपको रियर की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रियर में पेडल लिंक देखने को मिलता है, कोई भी आपको जैसा देख सकते हो ABS रिंग नहीं मिलेगा यहाँ पे, या फिर नहीं RLP सेंसर। यहाँ पे 220mm का रियर डिस्क देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं है, नहीं RLP नहीं ABS। जब मैं निसिंग का कैलिपर यूज़ किया गया तो आपको यहाँ पे सिंगल चैनल ABS ही ऑफर किया जाता है। टायर पैटर्न एक बार यहाँ ऊपर से देख लो भाई, थोड़ा गंदा क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है। निसिंग को थोड़ा ऑन करते हैं अभी, तो इग्निशन ऑन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो टेल लैंप है, एक्सट्रीम का जैसे पहले टेल लैंप आता था वही वाला टेल लैंप यहाँ पे दिया गया, फुली LED टेल लैंप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर आपको हैलोजन देखने को मिलेगा, नंबर प्लेट लाइट भी आपको हैलोजन देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, यहाँ आपका रियर का नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे फिट होगा। एक और अपडेट जो इसमें हुआ है वो इसका टेल सेक्शन, पहले इसका जो टेल टायर था वो एकदम नीचे तक आता था, लेकिन अब कंपनी इसको क्या है स्प्लिट कर दिया है, एक टेल टायर यहाँ तक आया जिसमें नंबर प्लेट फिट होगा एंड यहाँ पे रियर टायर हगड़ दिया जो काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को, डिज़ाइन में भी एंड लुक्स में भी काफ़ी अच्छा नहीं है, मट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। फिलहाल के लिए को ऑफ कर देते एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको हीरो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक निकल कर आ रहा है। पीछे से बाइक का लुक देख सकते हो आप, कुछ ऐसा निकल के आएगा। एंड साइड में चले तो यहाँ पे आपको साइड गार्ड देखने को मिल जाएगा, कोई भी लेडीज़ फुटर्स यहाँ पे कंपनी फिट करके नहीं देती है। आपको ओपन चेन सेट देखने को मिलेगा एंड ओपन चेन सेट होने का हम सभी को मतलब पता है कि इसको चेन को जो थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, हर 500 से 600 किलोमीटर के बाद इसको वॉश लूप करवाना पड़ेगा। एला भी आपको रियर में सेम ही देखने को मिलेगा जो कि आपका ब्लैक एंड ऊपर रेड का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। इसमें आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों ही ऑफर किया जाता है, साइड स्टैंड भी, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, यहाँ पे रबर कोटेड राइडर फुट पिलियन का फुटपैक या रबर कोटेड राइडर फुटपैक, मेन स्टैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो। साइड स्टैंड 5-speed गियर बॉक्स है, यहाँ पे आपको सीट ओपन करने का की होल दिया गया, यहाँ पे सेम ग्राफिक्स जैसे कि राइट साइड को दिखाया, वैसे कोई चेंजेस नहीं है। दोनों बाइक जो रेयर फ्रंट राइट साइड से लेफ्ट एंड राइट साइड से सेम ही देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ओवरऑल लुक निकल के आता है। अगर बात करें डायमेंशन की तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखा दूँ, यहाँ पे आपको सीट हाइट की अगर बात करोगे आपको 795mm इसका सीट हाइट देखने को मिलेगा, 165mm इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा,
अगर वेट की बात करो तो यहाँ पे आपको जो है 155 केजी इसका वेट देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ आपको मैं जो है दिखाना रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो ऑयल कूल्ड है, इसका जो ऑयल कूल्ड का चेंबर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड अपडेट की अगर बात करो तो एक और अपडेट इसमें कंपनी ने किया है, वो है इसका हैंडल बार। पहले आपको ट्यूबुलर या फिर सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हैंडल बार देखने को मिल रहा है। क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लच है, जैसे देख सकते हो फ्रंट ब्रेक लीवर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। स्विच गियर्स की बात करूँ तो आपका जो है पास बटन, यहाँ पर हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का सिग्नल, हॉर्न जो है डेफिनेटली लाउड हॉर्न यहाँ पर कंपनी ने दिया है। एंड इसमें जो है आपका किल स्विच, सेल्फ एंड ऑन बटन तीनों एक ही में दिया गया है। मिरर आपको वही एक्सट्रीम वाले देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे मिरर जो कंपनी ने दिए हैं। मीडिया कंसोल में अपडेट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला जो मीडिया कंसोल था उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। सबसे देखा तो बेसिक क्या मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपका RPM, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ओडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रिप वन एवरेज टाइम एंड डेट, यहाँ से चेंज करेंगे तो ट्रिप टू सेम वही दिखाएगा। यहाँ पे आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जगह अगर हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलेगा, मिस कॉल अलर्ट, कॉल अलर्ट सब कुछ यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप इको का जो लाइट यहाँ पे आपको इको का मोड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पर एवरेज फील इकोनॉमी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर फिर से ट्रिप ऑन तो आपको बेसिक यही देखने को मिलता है। टिल्टर लाइट अगर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर साइड स्टैंड का सिग्नल, यहाँ पर रिवर्स लाइट रिजर्व लाइट का, यहाँ पे रिजर्व पेट्रोल का लाइट दिया है, यहाँ पे हाई बीम का सिग्नल, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे ABS का लाइट, एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हो इंडिकेटर का सिग्नल, यहाँ पे इंजन मैन फंक्शन, ठीक है। तो यही जो बाइक का ओवरऑल लुक या फिर डिज़ाइन कंपनी ने अपडेट जो है इसमें कंपनी ने दिए। एक बार फिर से आपको जो अपडेट गिना दूँ, सबसे पहले इसका नया पेंट स्कीम आया, ठीक है। दूसरा अपडेट इसमें आपको 4-valve इंजन देखने को मिलता है। थर्ड अपडेट इसमें आपको जो है पीछे का जो टेल सेक्शन है वो उसको स्प्लिट कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट आपको OBD2 वाला अपडेट देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आपको E20 का अपडेट आ चुका है। सिक्स पॉइंट इसमें आपको क्लिक ऑन हैंडल बार देखने को मिलेगा, ठीक है। सेवन्थ अपडेट जो आप देख सकते हो इसका नया मीडिया कंसोल देखने को मिल जाएगा। एंड सेवन्थ अपडेट इसमें आपको पीछे रेडियल टायर देखने को मिलता है। एंड एट अपडेट जो है इसमें डिज़ाइन ऑल ओवर चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब चलते इसका एग्जॉस्ट नोट की तरफ, एंड इसको सुनाकर वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो यही था 2023 एक्सट्रीम 200S 4V का डिटेल वाकना रिव्यू। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो। Yeah.